गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सोटिक मनीषा। एंड आज का जो ये पूरा ब्लॉग होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आ गई हूँ पहाड़ी मंदिर। एंड आज मैं आपको पहाड़ी मंदिर शिव जी की पूरी दर्शन करवाने वाली हूँ। शिवरात्रि आने वाली है तो मैंने सोचा इससे अच्छा लोकेशन कोई मिलेगा नहीं, मैं खुद भी दर्शन कर लूँ एंड आप लोगों को भी दर्शन करवा दूँ। एंड मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ काफ़ी टाइम बाद आने वाली हूँ। मैंने सोचा था मैं यहाँ आऊँगी बट लॉकडाउन के कारण आ नहीं पा रही थी, बट सडनली प्लान बना और मैं आज यहाँ पे आ गई हूँ। सो आज आप लोग को यहाँ का पूरा व्यू दिखाने वाली हूँ एंड लास्ट में मेरा फोटोशूट तो ज़रूर होता है, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप बस वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना। एंड आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, मैं पहाड़ी मंदिर पहुँच चुकी हूँ। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहाड़ी मंदिर जो है वो रांची का फेमस टेंपल में से एक है एंड ये हिस्टोरिकल प्लेस भी है। वो कैसे वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी, सो वीडियो को आप इन तक ज़रूर देखना। एंड मुझे अब प्रसाद लेनी है, मैं वही देख रही हूँ कि कहाँ से लूँ। एंड मंदिर के साइड में बहुत सारे शॉप है, आप वहाँ से प्रसाद ले सकते हो, बट मैं ऐसा शॉप ढूँढ रही हूँ जहाँ का प्रसाद वगैरह का रेट सही हो, जिससे मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूँ। एंड मुझे ऐसा एक शॉप मिल भी गया है, देन चलिए शॉप वाले भैया से बातें करते हैं। हमारे दुकान में प्रदीप पूजा भंडार दुकान का नाम हुआ। अच्छा। और आप यहाँ पर आएंगे तो 51 रुपये से लेकर आपकी मर्जी तक 101 रुपये का प्रसाद, उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। उससे ज़्यादा हल्का लेना चाहते हैं तो पेड़ा लड्डू आप अपना मन से, और 51 रुपये में यहाँ पर प्रसाद मिल जाएगा आपको। चुनरी रहेगा वो आपको 71 रुपये हो जाएगा, बिना चुनरी के 51 रुपये होगा। चुनरी वाला भी 51 में हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ सामान छोटा रहेगा और बाकी कोई बात नहीं, बढ़िया रेट में मिलेगा। बोलने हर जगह एक रेट में, हाँ मंदिर मतलब मंदिर का लास्ट में दुकान नंबर 8 हुआ, प्रदीप पूजा भंडार। ठीक है तो आप यहाँ जब भी आओ तो यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो, बजट फ्रेंडली है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है तो। एंड चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं, मंदिर का व्यू देखते हैं कैसा है एंड भगवान का दर्शन करते हैं। हर हर महादेव, भगवान इतनी सीढ़ी चढ़ने के लिए शक्ति देना। तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदया ओम शांति ओम। तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदया ओम शांति ओम। तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदया ओम शांति ओम। ओम शांति ओम शांति। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मंदिर जो है वो 2140 फीट एवव है सी लेवल से एंड 350 फीट एवव है ग्राउंड लेवल से। एंड यहाँ पे अराउंड 468 सीढ़ियाँ हैं, वो तो आपको मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देख के लग ही रहा होगा, एकदम हालत ख़राब हो गई है सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, ऐसा फील हो रहा है भाई बहुत मोटे हो गए, वेट कम करना पड़ेगा, सीढ़ी ही चढ़ा जा रहा है। बट भगवान इतनी शक्ति ज़रूर देते हैं जो इंसान इतनी सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। फाइनली मैं मंदिर पहुंच गई। इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हालत तो बहुत ख़राब हो गई थी, बट बहुत अच्छा भी फील हो रहा था। एंड मंदिर जो है वो सुबह से 4:30 बजे से लेके 1 बजे तक खुली रहती है,
फिर बीच में 1 से 2 बजे तक बंद रहता है। उस बीच मंदिर की साफ सफाई होती है। एंड पहाड़ी मंदिर जो है वो भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगा फहराया जाता है। जैसे यहाँ पे 15 अगस्त एंड 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। एंड पहाड़ी मंदिर में शिव जी की पूजा की जाती है। एंड यहाँ शिवरात्रि और सावन के महीने में तो पैर तक रखने की जगह नहीं होती है। एंड मुझे यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं दिखा जो कैमरा अलाउ नहीं है लिखा हुआ, इसलिए मैंने शूट कर लिया। आप लोग भी भगवान शिव का दर्शन कर लो एंड अपनी विश अपनी मनोकामना मांग सकते हो। एंड मैं यहाँ पे फर्स्ट हाफ में आई हुई, अभी 12 बज रहे हैं एंड आप देख सकते हो बहुत भीड़ है यहाँ पे। भगवान को जल चढ़ाने के लिए भी लाइन लगी हुई है, वेट करना पड़ रहा है। तो मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, देन आप लोगों से बातें करती हूँ। शिव जी के दर्शन तो मैंने कर लिया, अब मैं जाने वाली हूँ नाग बाबा, जो कि सिपाही बाबा के भी नाम से जाने जाते हैं, उनके दर्शन करने। और यहाँ ऐसा मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन यहाँ पे नाग देवता का दर्शन भी होता है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है कि कृपया नाग देवता पे दूध ना चढ़ावे। तो मैं अब नाग बाबा का पूजा कर लेती हूँ, देन आप लोगों से बातें करती हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये मनोकामना स्थल है। यहाँ पे आप मोती चुन्नी बांध सकते हो, बट पहले मैं अगरबत्ती जला लेती हूँ एंड नारियल फोड़ के भगवान पे चढ़ा देती हूँ, देन जाऊँगी मनोकामना स्थल। एंड यहाँ पे मंदिर में अगरबत्ती जलाना अलाउ नहीं है, यहाँ पे अलग से प्लेस बना दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है, जो मंदिर भी नहीं गंदा होगा। एंड आप देख सकते हो यहाँ, आप कहीं से भी देखो मंदिर के चारों तरफ आपको ग्रीन एरिया, आपको बिल्डिंग सब नज़र आते हैं। यहाँ का व्यू, यहाँ से आप देखोगे ना तो व्यू काफ़ी अच्छा है, एकदम बोले तो ऑसम है। एंड यहाँ पे बहुत धूप है, अभी मैं दोपहर में धूप से तो हालत ख़राब हो गई है। एंड मैं जल्दी से नारियल फोड़ के चढ़ा देती हूँ भगवान पे, देन आप लोगों से बातें करती हूँ। बहुत धूप है, धूप से तो हालत खराब हो गई है। अब मैं जा रही हूँ मनोकामना स्थल। यहाँ पे आप मौली चुन्नी बांध के अपनी विश भगवान के सामने रख सकते हो। एंड ऐसा मान्यता है जब आपकी विश पूरी हो जाए तो आप एक मौली वो खोल सकते हो, चुन्नी खोल सकते हो। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी विश मांगती हूँ।
एंड मैंने भी मौली बांधी, चुन्नी बांधी एंड विश मांगी। तो आप ना गेस करो मैंने क्या विश मांगा होगा। आप ना कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करो कि मैंने क्या विश मांगा है। ये जो आप फ्लैग पोल देख रहे हो ये 293 फीट ऊंचा है और यहीं पे देश का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ध्वज झंडा फहराया गया था एंड जो कि अभी कुछ ड्यू टू सम रीज़न हटा दिया गया है। व्यू देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ऑसम होता है एंड ये हाँ बहुत ही अच्छा फोटोजेनिक प्लेस है। एंड अभी तो शिवरात्रि आने वाली, यहाँ बहुत भीड़ रहता है। अभी मैं यहाँ दोपहर में आई हूँ, एक बज चुका है, अभी मंदिर बंद है एंड आप देख सकते हो अभी मंदिर की साफ़ सफाई चल रही है। देन 2 बजे तक बंद रहेगा, 2 बजे के बाद मंदिर यहाँ पे ओपन होगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो शेड पूरे सीढ़ी में लगा हुआ है जिससे आपको धूप वगैरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप देख सकते हो ना, आपको ये पूरे मंदिर में आपको बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स मिलेंगे, जैसे स्टेयर्स पे ना साइड में लगे हुए हैं, घर वालों का स्नेह डॉक्टरी दवा से कहीं ज़्यादा लाभदायक है। सो आप देख सकते हो बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स हैं, इतना अच्छा व्यू है, आपको यहाँ से पूरा रांची का व्यू देखने को मिलता है एंड पूरा ग्रीन एरिया है, आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे है ना, आप मंदिर भी आ सकते हो, दर्शन भी कर सकते हो, दर्शन भी करो एंड बहुत अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट है, आप देख सकते हो। एंड मैं अभी बात करके चल रही हूँ तो लोग सभी मुझे ही देख रहे हैं। एंड मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, यहाँ पे अंग्रेज जो थे वो फ्रीडम फाइटर को फांसी दिया करते थे। ये एक और थॉट्स आप देख लो, खोजे परगुन अपना दोस्त, सीमित साधन में संतोष। वाह, अब एंड चलो इसका मीनिंग आप लोग ना कमेंट सेक्शन में बता देना। बहुत अच्छा अच्छा है थॉट्स है। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ ये मंदिर फर्स्ट है जहाँ पे झंडा फहराया गया था। ये वाह, हे ईश्वर मुझे अधिक लेने के लिए नहीं बल्कि देने के योग्य बनाऊँ। वाह क्या बात है, सत्य हो। यहाँ पे जगह जगह पे बैठने के लिए बनाया गया है कि बीच में अगर कोई थक जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीढ़ी चढ़नी होती है, तो आप यहाँ पे बैठ सकते हो रेस्ट एंड ऊपर में शेडेड देख रहे हो जिससे आपको धूप भी नहीं लगता है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये बगल में जो इन्वायरमेंट है, यहाँ से तो नेचुरल हवा आते रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एंड काफ़ी शांति है। एंड थॉट्स, एक और थॉट्स, पाप अपने साथ रोग शोक पतन एवं संकट भी लेकर आता है। एंड आप यहाँ भी पढ़ सकते हो, देवता और कोई नहीं मनुष्य में निवास करने वाली सत्वृत्तियाँ हैं। ये थॉट्स आपको यहाँ बहुत सारे पढ़ने को मिलेंगे एंड हमें इसे अपने लाइफ में अपनाना भी चाहिए। जो पूजा हमारी ख़त्म हो चुकी है, हम लोग घर जा रहे हैं, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है तो अभी नीचे जाएंगे, कुछ खाते हैं देन घर जाते हैं।
लेकिन मंदिर कौन खा के आता है, हम लोग तो खा के आते नहीं है। एंड मैं बताना चाहती हूँ, मंदिर से रांची रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस जो है वो 7 किलोमीटर की दूरी पे है। एंड फुल एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अब हमें बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, तो जल्दी से कुछ खाते हैं, पानी पूरी अभी खाते हैं, फिर घर जाते हैं। फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।